देश भर में कांग्रेस शून्य पर पहुंच चुकी है, जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस अब बौखलाहट में है। अपनी हार को सामने देखकर कांग्रेस नेता नए नए शगुफे छोड़ रही है। ये आरोप भाजपा एसटी मोर्चा के कांगड़ा जिला अध्यक्ष रमेश जरियाल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। भाजपा एसटी मोर्चा के कांगड़ा जिला अध्यक्ष रमेश जरियाल ने धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस द्वारा गद्दी समाज को बांटने का कुप्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हाल ही में हिमालयन गद्दी यूनियन नाम से नई संस्था बनाई है, जिसका पंजीकरण भी नहीं हुआ है। नई बनी संस्था के एक पदाधिकारी के नाम बदलकर प्रेस वार्ता की और उक्त पदाधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के इशारों पर किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मंत्री से पूछा कि इस तरह की राजनीति ही करनी थी तो वे स्वयं चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को एकजुट होकर भाजपा का साथ दिया है, उस समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांगड़ा जिला आईटी सेल संयोजक चंद्र भारद्वाज ने कहा कि चुनावी बेला में गद्दी समाज के 6 उपजातियों से भेदभाव की बात कही जा रही है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि उपजातियों के मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करती है, जबकि कांग्रेसी नेता बताएं कि उन्होंने उपजातियों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में घटिया राजनीति करना गलत है। जब इलेक्शन आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो अपना आधार खो बैठी है, जहां भी कांग्रेस पार्टी की जनसभाएं हो रही है, उनकी कुर्सियां खाली देख के उनके जो नेता हैं उनके दिमाग शैतान की तरह घूम रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हिमालयन गद्दी यूनियन, जिसके कॉन्फ्रेंस की राज डोगरा जी, ना तो वो यूनियन कहीं रजिस्टर्ड है और वो एक सोची समझी चाल के तहत यहाँ कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। जो पूर्व में मंत्री रहे हैं राजनाथ से, धर्मशाला से एक मंत्री सुधीर शर्मा, उनके इशारों पे ये काम जो हुआ है, इसका गद्दी समाज को तोड़ने का जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, ये उसमें सफल नहीं हो पाएगी। पूरा गद्दी समाज आज इस चीज़ से खुश है कि उनका नुमाइंदा जो है, प्रतिनिधित्व जो भी करेगा, वो दिल्ली में वहाँ बैठेगा। तो पूरा समस्त समाज गद्दी की उपजातियाँ जातियाँ वो नाम लेते हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि हाँ, हमारी जो कम्युनिटी है वो अच्छी लीड से अपनी प्रतिनिधित्व को, अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएंगे।